भरत 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 अब क्या हुआ? तुम ठीक हो? भरत क्या हुआ? क्या हुआ? तुम ठीक हो ना भाई? I'm all right. It's okay. तुम ठीक हो? It's okay. भरत भरत हेलो सर, वो स्वामी जी यहाँ बहुत ही भड़क कर बात कर रहे थे, लेकिन भरत ने उसे सीरियसली नहीं लिया। उसने बहुत ही कूल रहकर बात की, लेकिन जैसे ही बेल की साउंड उसने सुनी तो वो बहुत ही रिएक्ट करने लगा, और मुझे ये बात बहुत ही अजीब लगी सर। वेरी इंटरेस्टिंग, ओके यू कैरी ऑन। आप कैसे हो? स्वतंत्रा, तुम यहाँ कैसे? कैसे हो? I'm fine. कहाँ जा रहे हो? सरदर्द हो रहा है, टैबलेट लेकर आ रहा हूँ मेडिकल शॉप से। तुम रिलैक्स करो, मैं जाके ले आती हूँ। नहीं ठीक है, मैं चला जाऊंगा, तुम बैठो। कौन है तू? मेरे एरिया में कैसे आ गया? तू है? बम बम बटारी, चम चम जटारी। तुझे कैसे जाल में फंसाऊं? मेरे फंदे में तुझे लाने की सोच ही रहा था, लेकिन बिना मेहनत किए ही मेरी जाल में आकर तू तो खुद ही फंस गया बच्चा। ए, तुझे मैं तेरी औकात बताने के लिए आया हूँ, तेरे भविष्य को वर्तमान काल में खत्म करने के लिए आया हूँ। एक शेर के सामने आकर तू मौत की बात कह रहा है, तेरी औकात क्या है? यहाँ यहाँ मेरा साम्राज्य चलता है, मेरा साम्राज्य। लाशों के ढेर पर यह साम्राज्य बनाया है मैंने। तेलंगाना प्रदेश में कामगारों की 43% तनख्वाह बढ़ा दी गई है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, इससे सभी लोग बहुत ही खुश हैं। एक और मुख्य समाचार, स्वामी घंटानंद जी अपने घर। सूत्रों से पता चला है कि पुलिस का मानना है कि स्वामी जी को दिया गया है। इस घटना में भी हत्यारा हत्या करने के बाद वहां घंटी छोड़कर गया है। 20 सालों से की हुई मेरी मेहनत एक साथ सुनामी जैसे बह गई। एक सड़क के आदमी को मैंने स्वामी बना, एक एक ईंट जोड़ के ये व्यापार, ये साम्राज्य की नींव रखी। स्वामी उसका पिलर था, उसे मार कर मेरे छाती पर लात मारा है उसने। कौन है वो मेरा दुश्मन? भरत भरत, हाँ? हमारी संस्था को पैसों की जरूरत है, उसके लिए तुमने हत्या कर दी। ये क्या कह रही हो स्वतंत्रा? उस स्वामी जी को तुमने ही मारा है ना? What? Are you joking? No भरत, सीरियसली पूछ रही हूँ, साफ साफ जवाब दो, उस स्वामी जी को तुमने ही मारा है ना? मच्छर को मारना पसंद नहीं है, इसलिए रूम में मॉस्किटो कॉइल भी नहीं रखता मैं। ऐसा इंसान एक आदमी को क्यों मारेगा? तुम भी ना। तुम ऐसी बातें करके खुद को सेंसिटिव फेलो जैसा दिखाने की बिल्कुल कोशिश मत करो। तुम बिल्कुल सेंसिटिव नहीं हो, तुम अंदर से कुछ अलग ही हो जो तुम बताना नहीं चाहते। तुम वैसे बिल्कुल नहीं हो जो तुम दिखाना चाहते हो। उस स्वामी जी को तुमने ही मारा है, नो डाउट। ए, ये बार बार घंटा स्वामी का नाम क्यों ले रही हो तुम? वो तो एक नंबर का चोर है, झूठी बातें बोलकर लोगों को लूटने वाला लुटेरा है। देखो स्वतंत्रा, बिना मतलब की बातें सुनकर माइंड को खराब मत करो, हमें और बहुत सारे काम करने हैं। भरत नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? हे स्वतंत्रा, एक्सीलेंट गाइस, यू ऑल हैव डन वेरी गुड जॉब। एप्लीकेशन को बहुत ही अच्छे से डेवलप किया है, एंड ईश्वर, इस एप्लीकेशन को जल्द ही लॉन्च करना है, ओके ना? श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए यहाँ पर आए मीडिया वाले सारे दोस्तों को, हमारे बिल्स फाउंडेशन मेंबर्स का नमस्कार। समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए और महिलाओं को सुरक्षा देने के उद्देश्य से ही माय हाई सिक्योरिटी एप्लीकेशन तैयार किया है। माय एप्लीकेशन के यूजेस एंड फीचर्स के बारे में हमारे एप्लीकेशन को तैयार करने वाले मिस्टर ईश्वर आपको बताएंगे। थैंक यू भरत, थैंक यू सो मच। इससे पहले पब्लिक को सिक्योरिटी देने के उद्देश्य से ऐसे बहुत सारे एप्स निकाले गए थे, बट आवर बेल्स एप्लीकेशन क्वाइट डिफरेंट, यूनिक एंड एडवांस्ड। फ्रॉम हियर माय एसोसिएट जय विल एक्सप्लेन यू इट्स यूजेस, फीचर्स एंड इट्स बेनिफिट्स। थैंक यू सो मच। सो
थैंक यू सर। उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखा तो ये मर्डर्स उसने नहीं किया ऐसा लग रहा है। जो गलत करता है वो इतने दावे के साथ नहीं कह सकता। कुर्सी पर आराम से बिठा कर पूछोगे तो कुछ बताएगा क्या? पॉइंट ब्लॉक में गन रखकर डराओगे तो सब सच सच बताएगा। सर यस। रियल एस्टेट के बिजनेसमैन सुधाकर रेड्डी का आधे घंटे पहले मर्डर हो गया सर। व्हाट? इन्फॉर्मेशन मिली है कि वहाँ भी बेल मिला है सर। माय गॉड, व्हाट? आधा घंटा पहले हुआ? क्या हुआ? वो तो एक घंटे से तुम्हारी कस्टडी में है कह रहे थे। अभी अभी खबर मिली है, तब बेल्स फाउंडेशन के संस्थापक भरत को एरिया में हो रहे सीरियल मर्डर केस में शक के आधार पर आज सुबह पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इसके लिए होम मिनिस्टर का इस्तीफा मांगते हुए लोग और विपक्ष के नेताओं ने ऐसी मांग की है कि भरत को जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। बीजेपी को फोन लगा कर दो। होम मिनिस्टर का फोन भी आ गया। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू ईश्वर। यू आर वेलकम। ये यूजर्स फ्रेंडली ऐप है। ये ऐप इंटरनेट फैसिलिटी से लेके बेसिक मोबाइल फोन से लेके स्मार्टफोन तक सभी यूज कर सकते हैं। अब ये कैसे काम करता है ये हम देखेंगे। अगर कोई मुश्किल में फंस जाता है, अपने मोबाइल से *999# नंबर को डायल किया तो बस, इस मोबाइल से ऑटोमेटिकली पुलिस, एम्बुलेंस, फायर, शी टीम, इन सभी को हर एक किलोमीटर में रहने वाले बेल्स नंबर से बेल्स मेन सर्वर से अलर्ट भेजते हैं, और इस अलर्ट के माध्यम से ही जो भी प्रॉब्लम में है उसको बचाने के लिए एक टीम जल्दी से जल्दी उस तक पहुंच जाती है। सिर्फ यही नहीं, इस ऐप को कोई भी फ्री में ऐप जोन से डाउनलोड करके उसे यूज कर सकता है। सर, टेक हिम टू कस्टडी। ठीक है सर। भरत, तुम्हें अरेस्ट करने के लिए हमारे एसीपी साहब आए हैं। ये क्या है? इतने दिनों से इसे बेल्स का मेंबर सोचा था, ये तो पुलिस वाला निकला। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। आजकल चल रहे सीरियल मर्डर केस में भरत को सस्पेक्ट के रूप में देखा जा रहा है, इसलिए हम इन्हें कस्टडी में ले रहे हैं। कम ऑन मिस्टर भरत। ये तो नाइंसाफी है, भरत को आप कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? बिना सबूत और गवाह के आप भरत को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? भरत को आप यहाँ से कैसे ले जाते हैं ये हम भी देखते हैं। अगर आप लोगों ने हमें रोकने की कोशिश की तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। ये मारवार से हम लोग नहीं डरते हैं सर। हाँ, रुक जाइए। सिर्फ इन लोगों को मुझ पर शक है इसलिए मुझे अरेस्ट कर रहे हैं। ये शक और इल्जाम जो मुझ पर लगा है उसे मैं दूर करने जा रहा हूँ। हम नहीं जाने देंगे। हम नहीं जाने देंगे। प्लीज कंटिन्यू द प्रोग्राम। भरत प्लीज हट जाइए। भरत प्लीज हटो। प्लीज सर, आपने किस आधार पर गिरफ्तार किया है सर? कोई प्रूफ है आपके पास? बिना प्रूफ के किसी को अरेस्ट नहीं किया जाता। प्लीज हट जाइए। बताइए ना सर। सर प्लीज सर, ऑप्शन डालिए सर। प्लीज आप लोग हटिए। बिना सबूत हम किसी को भी गिरफ्तार नहीं करते। चलिए जाने दीजिए। अगला समाचार। देश में बाघों की संख्या बढ़ रही है, इससे जानवरों से प्यार करने वाले लोगों में खुशी की लहर है। अब हम आपको आज की ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज सुनाएंगे। द बेल्स फाउंडेशन के संस्थापक भरत को सीरियल मर्डर केस में शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। इस समाचार से पूरे राज्य में खलबली मच गई है, लोग सड़कों पर आ चुके हैं। पापा, पापा, यही है वो जिसने मुझे बीच रोड में मारा था, यही है वो पापा। पुलिस भरत से पूछताछ कर रही है। इधर लोगों के आक्रोश से पुलिस हैरान है। आप जितने भी सवाल पूछेंगे मेरा सिर्फ एक ही जवाब है, इस सीरियल मर्डर केस में मेरा कोई हाथ नहीं है। ए, वो मर्डर्स तुमने ही किया, ये प्रूफ है मेरे पास। मेरे पास भी प्रूफ है, मैंने कुछ नहीं किया। उस स्वामी जी के अलावा ना मैं किसी से मिला और ना ही किसी को जानता हूँ। पर्टिकुलर जब मर्डर हुआ उस समय मैं कहाँ था, कौन सा काम कर रहा था, इसकी आप इंक्वायरी कर लीजिए। मैं हत्यारा हूँ या नहीं ये आपको पता चल जाएगा। क्या बात है डीजीपी साहब, सरकार आपको सैलरी क्यों देती है? जो लोगों को सताता है उनको पकड़ने के लिए, जो बचाता है उनको नहीं। एक अच्छे उद्देश्य को लेकर समाज को कुछ नया दे पाए ऐसी कोशिश कर रहा है वो। हमारे देश को ऐसे ही नौजवानों की जरूरत है। बिना वजह के आपने उसे क्यों अरेस्ट किया है? आपके इस काम से चारों तरफ हंगामा मचा हुआ है डीजीपी साहब। इससे पहले कि ये बड़ा इशू बन जाए, भरत को जल्द से जल्द रिलीज कीजिए और अपने साथ साथ हमारी भी इज्जत बचाइए। सॉरी सर। भरत को तुरंत रिलीज कीजिए। ओके सर, ओके सर, ओके सर, थैंक यू। जाओ जाकर उसे छोड़ दो। वेरी वेल सर, थैंक यू सर। मिस्टर भरत, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। सर एक बात याद रखना, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, मैं लोगों की मदद करना नहीं छोड़ूंगा और ना ही मुझे कोई रोक सकता है। देखता हूं मेरे हाथों से कितने दिनों तक बचेगा तू।
हेलो हरीश। हाँ बोल अकिल। अभी अभी मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पे जबरदस्त वीडियो भेजा है। वाह थैंक यू भाई। सुनना मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर किया है, तू भी देखने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अकिल ने वीडियो भेजा है मतलब सब कुछ अच्छा ही होगा, मैं देख कर सबको शेयर करता हूँ। Ha 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 ha